चल 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 चल। अरे देखो हेडलाइट पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गया। जूते मुझे दिखा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हुई है। अकेले ही बाइक को निकालने में कैसे पलटी होगी यार। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड में हम चैनल एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमें नपलचू में नपलचू और गुंजी ये सब लाइन से पढ़ते हैं और ये रहा होम स्टे और अपनी बाइक यहाँ लगी है, फुल स्टार्ट कर दिए, क्लीन कर दिए, चेन लूप नहीं हो पाई अभी। वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर आदि कैलाश और यहाँ से निकलते थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे निकलेंगे। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:22, यहाँ से निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। तो दीपांशु और अमन आगे जा चुके हैं, वो जा रहे हैं अमन और दीपांशु। ओहो खाली गाड़ी में कितना आराम लग रहा है यार। पहले सोचा था कि ओम पर्वत जाएं कि आदि कैलाश जाएं, पर डिसाइड करा कि ओ आदि कैलाश ही चलते हैं। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है बट होप फॉर द बेस्ट। भाई ठंडा है यार आज, फील हो रहा है। पहले रास्ता तो ख़राब हुआ करती थी यार, ये रोड काफ़ी हद तक बन गई है यार। मतलब अभी देखो कुटी तक तो बढ़िया रोड होगी, पहले कुटी तक भी रोड नहीं थी इतनी अच्छी। क्या हो गया, भीग गए पूरे? इसकी गाड़ी नीचे है ना, थोड़े थोड़े फिर सब ग्लेशियर है, पिघल पिघल कर आया नीचे और इतना मटमैला हो गया पता ही नहीं चल रहा। तो अभी हम कुटी में रुकेंगे, कुटी में परमिट चेक होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। UP 78 सनलाइट आ रही है अच्छी खासी, बादल खुले हैं एकदम, बादल नहीं है मतलब आसमान खुला हुआ है, थोड़े थोड़े बादल हैं इस तरीके के, ये तो रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आदि कैलाश में हो सकता है मौसम खुला मिले, नीचे तो नहीं खुला था, इस साइड नहीं खुला है। तो ये वाला एरिया भी ब्लैक टॉप कर दिया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वरना ये पहले कच्चा था। और आगे मेरे ख्याल से कुटी विलेज जाने वाला है, ये रास्ता भी एक है, पर इधर से नहीं जा सकते ना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी एक वाटर क्रॉसिंग है, पहले तो थी, अभी कितनी बड़ी है ये नहीं बना दिया, मेरे ख्याल से कुटी विलेज जा चुका है। यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर परमिट चेक होता है। तो भाई एक दिक्कत हो गई, इंस्टा 360 मैंने बैग में रखा था, दिख नहीं रहा है, अभी देखना पड़ेगा अच्छे से कहाँ रखा है। और GoPro की बैटरी भी नहीं दिख रही है। गणेश नाले का प्रकोप अभी भी जारी है, मतलब आर्मी वालों तक ने बोल दिया है कि निकल जाए तो ठीक है वरना वहीं खड़ी कर देना, और पहले निकल जाओ तब तो ठीक है, वरना जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12 बजे के बाद पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और 8:30 हो रहा है। कहाँ तक है, हम 9:30 तक या 9:15 तक गणेश नाला के पास में होंगे, और यहाँ से आदि कैलाश है 9 किलोमीटर। भाई साहब ये रोड पहले बहुत ख़राब थी यार, मतलब इतनी ख़राब कि जिसकी कोई हद नहीं। तो जिसने 2022 में या 2023 में आदि कैलाश करा होगा वो जानता होगा कि इस रोड की टफनेस क्या थी, ये टेरेन क्या था। अभी तो इतना पता नहीं चल रहा है, रोड काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्लैक टॉप हो चुकी है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही, वरना ये तो पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड था। मैं 6th गियर में चल रहा था बीच बीच में, अभी तो 5th गियर में गाड़ी चल रही है, और गणेश नाला उससे बचना मुश्किल है, वो वहाँ पर
रिस्क लेना भी है, क्योंकि देखो वहाँ जूते तो भीगेंगे भीगेंगे नो डाउट। मैं राइडिंग बूट नहीं पहन कर रहा था क्योंकि वो एक बार भीग गए तो वो सूखने में बहुत दिक्कत करेंगे, ये सूख जाते हैं चलते चलते। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बस थोड़ी देर में हम गणेश नाला के सामने होंगे, जब मुझे उधर रोड दिखने लग जाएगी ना तब मैं समझ जाऊँगा गणेश नाला आने वाला है और मेरे सामने पड़ेगा ब्रह्म पर्वत। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो सामने रहा ब्रह्म पर्वत, बस समझ लो पहुँचने वाले हैं। मेरे को तो अंदर से है ना ऐसा धक धक हो रहा है क्योंकि मैं एक बार फंस चुका हूँ ना तो मैं जानता हूँ यार क्या हो सकता है वहाँ पर। हिस्से में मेरे ख्याल से बर्फ़ ज़्यादा पड़ती होगी तो अभी इधर रोड नहीं बनाई है। दीपांशु भाई तो पहुँच भी गए होंगे गणेश नाला, वहाँ खड़े होंगे बैठे। ये देखो कितनी गंदी बर्फ है, ये बर्फ है पूरी, गाड़ियों की लंबी लाइन दिख रही है गणेश नाला की वजह से, सारी गाड़ियां धीरे होंगी। रो ना वो गणेश नाला की बात पड़ता है उधर से, वो आदि का लाश निकल गया तो गणेश नाला हमारे लेफ्ट में है और ब्रह्म पर्वत हमारे लेफ्ट में दिख गया। वो जो गाड़ियां चढ़ रही ना वो जा रही है गणेश नाले को क्रॉस करके, और सामने वो जो वो दिख रहा है वो है ब्रह्म पर्वत। ब्रह्म पर्वत के पीछे जानते हो क्या, वो दारमा वैली, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है यार, क्रॉस हो नहीं पाएगी क्योंकि सारी छोटी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और ये कैंपर में करके सबको लेके जा रहे हैं। दीपांशु वहां पहुंच गया है यार। तो भाई हम लोगों ने जूते उतार दिए, गाड़ी खड़ी कर दी है और अमन भाई के एक एक्स्ट्रा शूज़ थे जो अमन भाई ने गम्बूट पहन रखे हैं, मैं ये वाले जूते पहन के चला चलता हूँ। तुमको तो पता नहीं चल रहा होगा हल्का सबसे जा रहा है। तो भाई हम लोग तो पैदल जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो है। ओ भाई ठंडा है, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, बहुत ठंडा है। ओ भाई पैर सुन्न हो गए। दीपांशु भाई उसकी हेल्प कर रहे हैं बीच में खड़े होके। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ से आदि कैलाश 3-4 किलोमीटर, अपन ट्रिपलिंग करके जाएंगे शायद और इस पहाड़ी को तो निकालना भी तो पड़ेगा ना हमें वापसी में। हाँ तो गाइस ऑलमोस्ट सारे बाइकर्स उधर बाइक लगा रहे हैं और पानी का लेवल चेक करने के लिए आ रहे हैं। एक भाई घर आ गए थे सुबह जल्दी तो पानी कम था और अभी पानी ज़्यादा है तो अकेले हैं, थोड़ा सा रिस्क है ऐसे में। तो दीपांशु भाई क्या है अमन भाई को छोड़ कर आएगा फिर हमको लेकर जाएगा। तो अभी होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं थोड़ी देर। किसी हीरो होंडा की मतलब चाबी है यहाँ पर मिली है, अब यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए, मतलब क्या वो बाइक खड़ी करके यहाँ पर आए होंगे, और ये भरतपुर की है, आर हीरो भरतपुर। तो क्या है ना कि वहाँ पर एक हीरो शाइन खड़ी है तो ये उसी की चाबी हो सकती है। अभी जो इधर से उधर जा रहा होगा ना उसको बोल दूँगा चाबी उसकी गाड़ी में लगा दे ताकि उसको यहाँ ना खोजना पड़े। मतलब भाई कैसे फंस रही है ना यहाँ पर, जो अकेले आ गया उसको लेके जाना ही पड़ेगा, हम लोगों ने तो खड़ी ही कर दी भाई, हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पर आप चेक पोस्ट पर एंट्री हुई है, और ये देखो हेडलाइट पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गई। भाई आगे की यात्रा शुरू हो गई हमारी, जा रहे हैं निकला। गए तभी हैं आदि कैलाश पर और हर हर महादेव। हमारे पीछे जो मंदिर है ना वहाँ से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं जो वहाँ पर दिख रहा होगा, तो वहीं से दर्शन करेंगे हम। और दीपांशु तो मंदिर नहीं जाएगा और मेरी तो साथ ही फूल रही यार, पता नहीं क्या ही हो जाता है। खैर
अब मेन तो दर्शन ही कुछ, चलो अभी कुछ चाय नाश्ता करेंगे तो मंदिर जाएंगे उधर अभी, और फोटो वोटो क्लिक करते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग उस वाले मंदिर से होकर चले आए हैं, और वहाँ से भी आदि कालेश के दर्शन होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं बस वहाँ तक गया था जहाँ से जीप आ रही है, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है मेरी, सर दर्द हो रहा है। एक घोट पानी पिला तो। हाँ पिला, हाँ अंकल बिल्कुल, उधर भी बोतल भूल गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्लीज। तो अंकल को प्यास लग रही थी, पानी पिला दिया, तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। गाइस हालत बहुत बुरी हो चुकी है मेरी, मतलब बहुत लो फील कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने नीचे से ही दर्शन करे और अपने यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, चाय पियेंगे, मैगी नहीं खाएंगे। क्यों, मैगी खानी है? गू खाएंगे, गू तो बहुत पड़ा है यहाँ पर, खा लेंगे। तो के बाव खा लेंगे, बियर ग्रिल बन जाएंगे। गू बियर ग्रिल गू खाता था? हाँ खाता है, गोबर उसका, गोबर वगैरह मतलब पानी नहीं छोड़ के खाए रहा हूँ ना। बनो ना यार बियर ग्रिल, बनो थोड़ा सा, एक बार ट्राई करो। वो देखो चरण भाई आ गया अपना बंदा, ना मैं कह रहा हूँ ट्राई तो करो। अरे देखो ना यहाँ पर छोटे छोटे फूल होते हैं, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं दोस्तों आदि कैलाश आना तो बहुत संभल कर आना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक एक करके निकलेंगे, और अभी पहले अमन और दीपांशु गए हैं। अमन को छोड़ेगा गणेश नगर तक, वहीं पर अपनी बाइक लगी, फिर मैं जाऊँगा गणेश नगर तक दीपांशु के साथ। तो चलो मिलते हैं आगे। भाई दीपांशु भाई की बाइक निकलवाने वाले हैं हम लोग की लगने वाली बहुत भयंकर तरीके से। दीपांशु क्या लग रहा है, पहिया देख लो उसका। अरे बाप रे, चलो बस धक्का देते रहना हल्के हल्के हैं। चल 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 चलो, नहीं उधर नहीं हैंडल यार, निकल गई। भाई देखो तीनों राइडर अपने जूते मुझे सुखा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हुई है अकेले ही बाइक को निकालने में। ये अपनी खड़ी है उधर अमन भाई, मेरे हाथ कांप रहे हैं लिटरली। भाई साहब मेरी तबीयत बहुत कुछ ठीक नहीं है, हाथ ऐसे कांप रहे हैं, बॉडी भी कांप रही है ना। होटल के जाऊंगा, दवा खाऊंगा आराम से। तो जा रहे हैं गूंजी, अब हो तो वो क्रैश घाट पे मुझे बंदे हैं, जूते मेरे पूरे गीले हैं, लेकिन क्या है ना धूप भी है तो इतना ठंड पता नहीं चल रही है। ये देखो चार पांच गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, ये कैसे पलटी है यार, ये क्या थी, ब्रेजा, शिट, ये कैसे पलटी होगी यार, शिट।
तो जब भी आप डाउन हिल आ रहे हो ना, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा। न्यूट्रल में तो छोड़ो ही मत गाड़ी को, ब्रेक पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि देखा ना जो ऐसा ही होता है, डाउन हिल में हुआ है ये एक्सीडेंट, बाप रे बाप, सबके सब अंदर रहे होंगे, क्या हाल हुआ होगा। और इन रोडों पर बिल्कुल भी नज़र नहीं हटनी चाहिए, कभी भी हो सकता कोई गाड़ी आ रही हो, कोई पत्थर आ रहा हो, तो बिल्कुल अलर्ट रहना कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आधी कलाश के रास्तों पर। तो भाई आज GoPro की बैटरी बहुत साथ दी, शाइनी शाइनी वाला मौसम था, और ब्लॉग में इतना कुछ ठीक से आपको नहीं दिखा पाया यार, क्योंकि Insta360 रह गया था होटल पर, भूल गया मैं। ऑल तो मुझे लग रहा था मैंने रखा है, बट गिर तो नहीं सकता, होटल में ही होगा मेरे हाइड्रेशन ब्लैडर वाले पॉकेट में। थैंक यू भाई साहब, गजब ही एडवेंचर हो गया, जा रहे थे उस रास्ते से, लेकिन अब हमको इधर से जाना पड़ेगा। क्या भाई, ऐसा तो नहीं सोचा था। अच्छा ये पुराना वाला रास्ता है यार, ओहो हो, दीपांशु भाई ने जो है मार आंधी तूफान मचा दिया। हम जा रहे हैं अपने होम स्टे में, दूसरा होम स्टे पता करा है जो कि ओम पर्वत जाने वाले रास्ते पर है। यहाँ पर 1000 रुपये में मिल गया हम लोगों को, इसमें रहना और एक टाइम का खाना और रहना है, मतलब सुबह का नाश्ता है, रात का खाना। और वहाँ पर है रूम ही नहीं खाली है, हम लोग तो मतलब जो ड्राइवर का रूम है उसमें सोए थे, उसमें भी उन्होंने 1000 रुपये चार्ज करा, चलो कोई बात नहीं, छत मिल गई थी। तो अभी वही जा रहे हैं सामान लेकर वापस यहीं आएंगे, तो अब वापस यहीं पर आपसे मिलेंगे हम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फिलहाल गूंजी में, और गूंजी का ये होम स्टे है, क्या नाम है ये पर्वत आदि कैलाश होम स्टे गूंजी में, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। गूंजी में आपको काफ़ी सारे होम स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। उस साइड है नपलचू सबसे पहले पड़ता है, और उसके बाद आप जब इधर घूम के आते हैं तो ये पड़ता है गूंजी विलेज। गूंजी में आपको काफ़ी जनरल स्टोर मिल जाएगा, ATM आ गया SBI का ATM भी आ गया, और ये यहाँ का नंबर है, आप चाहो तो देख लो और इनको कॉल करके बुकिंग कर सकते हो। बोर्ड तो खैर फिलहाल यही लगा है, पर्वत आदि कैलाश करके। तो आज की हमारी जो ये जर्नी काफ़ी आदि कैलाश की काफ़ी ज़्यादा टायरिंग रही, और मेरी तबीयत ऑलमोस्ट ख़राब होते होते बची है। लगी है अपनी बाइक, और ये लगी अपनी बाइक धूल से सनी हुई एकदम। Insta360 भूल गया था, अरबी एरिया तो मैं ड्रोन भी नहीं उड़ा पाया यहाँ पर, तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल जितना कुछ कर पाया उतना कर पाया, ब्लॉग को करते ही पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा होगा फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट से सेफ, बाय बाय।